नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नए भारत की बढ़ती ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर भारी पड़ सकता है। पहले ही मालदीव का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास के लिए वहां की सरकार को दोषी ठहरा रहा है और अब राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मुइज्जू को कुर्सी से बेदखल करने में मदद करने की गुजारिश की है। अली अजीम ने कहा है कि हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी पड़ोसी देश को अपनी विदेश नीति से अलग थलग नहीं करने देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछा है कि क्या वो राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। यानी कि भारत से पंगा लेना अब मालदीव पर भारी पड़ता दिख रहा है। बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने और ट्रैवल कंपनियों के विरोध के बाद अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयान की आलोचना की। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने बयान जारी किया और कहा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ अपने मंत्रियों की टिप्पणी की निंदा करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री पर बयानबाजी के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब का भी बयान आया। उन्होंने मालदीव की सरकार से कहा कि उन्हें भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए। अदीब ने कहा है कि राष्ट्रपति मुइज्जू को पीएम मोदी के पास जाकर इस राजनयिक संकट को सुलझाना चाहिए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया कि राष्ट्रपति मुइज्जू को की भारत यात्रा का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है मालदीव की तरफ से। इसके अलावा मोहम्मद मुइज्जू जो हैं वो इस समय मालदीव में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और अगर वहां की संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो फिर उसके पास होने के भी पूरे पूरे आसार हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर किस तरीके से जो भारत के खिलाफ जो उनका रवैया है वो भारी पड़ रहा है, आपका इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।